विधानसभा में नमाज कक्ष और नियोजन नीति को लेकर सियासत गरमाई है। बीजेपी आज विधानसभा का घिराव करेगी। वहीं बीजेपी ने हेमंत सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। अरगोड़ा से 11 बजे बीजेपी का जत्था रवाना होगा। दीपक प्रकाश, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास समेत सभी सांसद और विधायक मौजूद रहेंगे। पूरे प्रदेश से बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता घिराव में शिरकत करेंगे। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। तो विधानसभा में नमाज कक्ष और नियोजन नीति को लेकर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी आज झारखंड विधानसभा का घेराव करेगी। जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। संजय सेठ जी, जो रांची से सांसद भी हैं, कल भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का घेराव करिए, क्या मकसद है, आखिर क्यों? भाई मकसद तो यह ना, 2.5 साल हो गए इस सरकार को, जो जो वायदे किए थे कि साल भर में 5 लाख नौकरी, 2.5 साल हो गए, 5 लोगों को नौकरी नहीं मिली, कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गई। 7 बजे 8 बजे के बाद आप इंटर स्टेट या इंटर डिस्ट्रिक्ट आप घूम नहीं सकते, जा नहीं सकते, और जो नौकरी नहीं दे पा रहे, नौकरी छूट रही, उद्योग बंद हो रहे हैं, उद्योग जो जो लगे वो सब भाग रहे हैं। माने आप कहो कि पूरी सरकार डिरेल हो गई है, और डिरेल हो गई है तो उन्होंने कहा कि अब जनता का ध्यान, जो जनता आक्रोशित हो रही है हर मुद्दे पर, बिजली नहीं है, पोल नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं है, रोजगार नहीं है, हर लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि साहब एक जनता का ध्यान भटकाओ, तुम्हें नया सगुफा कर दिया। अरे लोकतंत्र का मंदिर संसद होता है, लोकतंत्र का मंदिर विधानसभा होता है, उसमें कोई जात बिरादरी धर्म कुछ नहीं होता है। वो तो 135 करोड़ देश एक साथ एक मुट्ठी में भारत माता के लाल है। अब देखो भारत में लोकतंत्र लोक लाज से चलता है, आप लोक लाज ताक पे रख दो फिर क्या मतलब है भाई? आपने विधानसभा के अंदर नमाज पढ़ने के लिए जगह दे दी, मतलब मस्जिद के लिए जगह दे दी, तो हम इसका विरोध कर रहे हैं। हाँ दे दी, हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते, तो सोमवार को शंकर जी का दिन है, महादेव की आरती होनी चाहिए, मंगलवार को बजरंगबली की पूजा होनी चाहिए, वहां मूर्ति लगा बजरंगबली जी, क्योंकि हम सब झारखंडवासी तो रामनवमी बहुत धूमधाम से मनाते हैं, बजरंगबली हमारा आराध्य है, तो वहां मंगलवार को हनुमान चालीसा होगी, हनुमान आरती होगी, बुधवार को गणेश की पूजा होगी, बृहस्पतिवार को बगलामुखी और विष्णु भगवान और साईं बाबा की पूजा होगी, शुक्रवार को संतोषी माता की पूजा होगी, शनिवार को शनिश्चर भगवान की पूजा होगी, शनि भगवान की, और रविवार को सूर्य भगवान की पूजा होगी। हर दिन अलॉट कर दीजिए, साथ में जैन धर्म, बौद्धिस्ट, ईसाई, सबको कर दीजिए। मतलब ये हुआ कि विधानसभा ने वो मंदिर बना दिया या स्पिरिचुअल स्थान को बना दिया। पूछूं से इस सरकार क्या कर रही है, क्या आप ये कहीं पूरे देश में साहब को सुनने को मिला? इतने प्रदेश हैं, इतनी विधानसभा हैं, कहीं सुनने को मिला कहीं कि साहब किसी विधानसभा में या संसद भवन में अलग से नमाज पढ़ने के लिए या आरती करने के लिए जगह अलॉट कर दी? और ये तो पिछली मरतबा अटल जी को भूल गए थे, अटल जी का आदमकद प्रतिमा, उस पर भूल चलाना भूल गए उनकी जयंती पे, कि ये राजनीति से प्रेरित। इसीलिए 3.5 करोड़ जनता आक्रोशित है, और आक्रोशित होकर जब दबाव आया कल भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता समर्थक हजारों की तादाद है, 2500 लोग निकलेंगे और झारखंड विधानसभा घेरेंगे कि साहब यह कहते हैं ना जो तुष्टिकरण की नीति, आप रोजगार नहीं दे पा रहे हो, आपने वायदे किए, जो जो वायदे किए उस वादों पे फेल हो, आप गद्दी छोड़ो, क्योंकि क्यों आप इस तरह से जाति आधार पर, धर्म के आधार पर और तुष्टिकरण के आधार पर आप बांट रहे हो, ये बिल्कुल सरासर गलत है। लेकिन आप पे भी इल्जाम है कि जब बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भी नमाज पढ़ने की इजाजत दी थी। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई स्थान कहीं नहीं चिन्हित था, ऐसा थोड़ी है। आप बता दो कहीं भी देश के अंदर किसी विधानसभा में क्या है, क्या हमको किसी धर्म से कोई आपत्ति नहीं है, हम सब धर्म की इज्जत करते हैं, किंतु आप अगर नमाज पढ़ने के लिए इजाजत देते हो तो ठीक है, आप हमको 7 दिन हमको वहां आरती करने की परमिशन दो, वहां हमको कमरा अलॉट कर दो, सभी धर्मों को अलॉट कर दो, सरना धर्म को भी अलॉट कर दो, सबको अलॉट करो,
ये ध्यान भटकाने के लिए हो रहा है कि जनता आक्रोशित हो रही है, हम अपने जो जो हमने चुनावी वायदे किए थे एक भी वायदा पूरा नहीं हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा, तो ध्यान भटकाओ तो जनता आक्रोशित है। भाजपा कार्यकर्ता उस आक्रोश के साथ झारखंड विधानसभा घेरेंगे। आप पे भी इल्जाम है और लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।